के कमर को बांध दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। दाम बंधन लीला कार्तिक महीने के अंतर्गत हुई। कार्तिक महीना बड़ा पावन, इस महीने में कार्तिक मास में भगवान ने अनेक अनेक लीलाओं को किया, जैसे गोवर्धन धारण लीला, जैसे गोचारण लीला का आरंभ, ऐसी अनेक अनेक लीला जिसमें दाम बंधन लीला भी आती है, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर महीना भी कहा जाता है। बड़ी सुंदर लीला कि सुबह सुबह प्रातःकाल यशोदा मैया दधी मंथन कर रही हैं, कृष्ण भीतर में विश्राम कर रहे हैं, मैया विचार कर रही हैं, ये उद्यमी सोरा है, जाग गया तो घर का काम करने नहीं देगा, इसके जागने से पहले ही माखन निकाल के रखूं। यशोदा मैया का तो भाव ऐसा, कृष्ण को यदि लाड से उठाती हैं तो अभी नेत्र भी खुलते नहीं, मैया पहले ही मुंह में माखन डाल देती है। ऐसा वात्सल्य भाव स्नेह कि लाला सारा दिन गैयों को लेके गोचारण करता है, गैयों की कितनी सेवा करता है, थक जाता होगा, इसको बल की आवश्यकता है, तो इसलिए माखन खिलाकर इसका बल बढ़ाऊंगी। अभी कन्हैया उठते भी नहीं हैं और मैया पहले मुंह में माखन डाल देती हैं। कन्हैया को माखन बड़ा प्यारा है, क्यों प्यारा है? बोलते भक्त हृदय सदा नवनीत समान, भक्त का हृदय माखन की तरह कोमल होता है, इसलिए मानो उन भक्तों के प्रेम को ही कृष्ण आस्वादन करते हैं इस माखन के ग्रहण करके। इसलिए मैया दधी मंथन कर रही हैं, उसमें से माखन निकलेगा, परंतु जितने भी भक्त हैं, विशेष करके जो कृष्ण के परिकर जो पार्षद ब्रज में, वे कभी भी कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण नहीं करते, सब समय कृष्ण के नाम को, लीलाओं को, रूप का वर्णन ही करते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के विरह को वो सहन नहीं कर सकते। इस विरह को प्रशांत करने के लिए ही वो कृष्ण नाम ही अपने आप में एकमात्र औषधि है, और कोई औषधि नहीं, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामनी। ये तो अभिन्न है, तो जहाँ पर कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, वहाँ पर कृष्ण नाम ही कृष्ण का दर्शन के रूप में ब्रजवासियों के द्वारा आनंद को प्राप्त करता है। कन्हैया अभी भीतर में सो रहे हैं और मैया घर के आंगन में ही दधी मंथन कर रही हैं, और इसी में उनको कृष्ण के प्रति विरह जाग गया, और जब वीर उत्पन्न होता है तो उस वीर को शांत करने के लिए एकमात्र कृष्ण नाम ही औषधि है, और कोई औषधि नहीं। हम लोग भी संसार में जल रहे हैं तीन तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक कलेश वो कलेश होते हैं जो देवताओं के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, भूचाल आ जाना, सुनामी आ जाना, तूफान आ जाना, ये आदि भौतिक कलेश, आदि देविक कलेश। आदि भौतिक कलेश जो एक जीव को दूसरे जीव से प्राप्त होता है, लड़ाई झगड़ा, कोई पशु ने काट लिया, ये हो गया वो हो गया, एक जीव को दूसरे प्राणी से जो प्राप्त, आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश जो अपने मन के अज्ञान से स्वयं प्राप्त होता है। तीन तापों में सारा जगत जर्जित है, और इन तीन तापों की यदि कोई औषधि है तो वो कृष्ण नाम से बढ़कर और कोई औषधि नहीं है। हमें तो जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन वृंदावन के जो कृष्ण के जो ब्रजवासी, उनको करना नहीं पड़ता, उनका स्वाभाविक ही है।
और एक भक्त ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझको हजारों जीवाएं दे दो जिससे मैं उन एक जीवा से आपका नाम पूरा पूरा आस्वादन नहीं कर पाता। हजार जीवा हो तो उस नाम को मैं पूरा पूरा स्वाद कर सकूं। इसलिए तुंडे तांडवनी ऋतुने वितुनते तुंडावली लब्धे, हजारों जीवा की आकांक्षा करता है। इसलिए यशोदा मैया जब दधि मंथन कर रही हैं तो उस समय कृष्ण के नामों को उच्चारण कर रही हैं। मैया गा रही है क्या कि गोविंद दामोदर माधवे, सभी गाइए गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, गोविंद दामोदर माधवे, मैया गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण के नामों को उच्चारण करने लगी। ये महिमा उस वेरे को मैया इन नामों के द्वारा आस्वादन कर रही है। परंतु भगवान का भी एक स्वभाव है, या तो एक भक्त के स्वभाव की बात सुनी, एक भगवान का भी स्वभाव है। भगवान कहते हैं मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नामों को कीर्तन करें मैं वहीं पर ही वास करता हूँ। देख लो भगवान का संकल्प क्या, ध्यान से सुनिए, बोलते जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नामों का कीर्तन करें मैं वहीं पर वास करता हूँ। और यशोदा मैया जैसे कृष्ण की मैया यदि कृष्ण का नाम उच्चारण करें तो कृष्ण तो आए बिना रह नहीं सकते। कन्हैया भीतर में विश्राम कर रहे हैं लेकिन मैया के इस नाम उच्चारण को सुनकर कृष्ण अपनी आंखों को मलते मलते मैया मैया करते हुए देखा, मैया तो दधि मंथन कर रही हैं। कृष्ण गए और वहां जाकर उस मथानी को ही पकड़ लिया जिससे मंथन हो रहा था। मैया देखकर बड़ी हैरान, ओहो मेरा बालक है तो कितना तीव्र मेधा, कितनी तीव्र इसकी बुद्धि है। क्योंकि मंथन करने के तीन उपाय हैं बस, यदि कन्हैया रस्सी को पकड़ते तब भी मंथन रुक जाता, यदि कन्हैया यशोदा मैया के कलाई को पकड़ लेते थे तब भी मंथन रुक जाता, लेकिन इन दोनों कार्यों में कृष्ण को कहीं कुछ क्षति हो जाती। यदि रस्सी को पकड़ते तो हाथ छिल जाता, यदि कलाई को पकड़ते तो कोनी लग जाती। कन्हैया इतने तीव्र कि उन्होंने मथानी को ही पकड़ लिया। मैया देखकर ओहो मेरा लाला कितना समझदार, बोले मैया मैया भूख लगी है। मैया ने तुरंत कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया। आज कौन व्यक्ति कह रहा है मुझको भूख लगी है, जो आत्म राम आत्म काम है, जिनको कोई कामना नहीं, जो अपने में ही रमन करते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, और सारा जगत कहता है कि इनको तो भूख प्यास लगती नहीं, ये तो भगवान है, आज उन्हीं भगवान को भूख लगाई है। क्यों? जब अपनी मैया का वात्सल्य प्रेम देखते हैं, जब अपने भक्त के प्रेम का आस्वादन की बात आती है तो आत्म राम आत्म काम भी समस्त प्रकार की कामना को प्रकट करने वाला हो जाता है। इसलिए कन्हैया मैया की गोद में लेट गए और मैया कन्हैया को पूर्ण रूप से आस्वादन देती हुई उनको अपना दुग्ध पिलाने लगी। उस वात्सल्य भाव, दूध पिलाना एक वात्सल्य भाव का प्रतीक है। मैया उस वात्सल्य भाव में परिपूर्ण है। यशोदा मैया से बढ़कर कोई जगत में माता नहीं, इसका प्रमाण हम नहीं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है, जहाँ पर कुंती जी ने स्तुति करते हुए कहा
कि मैं एक माता हूँ और देवकी भी एक माता हुई है, परंतु देवकी से ज़्यादा सौभाग्य मेरा है। भागवत जी की प्रथम स्तुति है कुंती स्तुति, कुंती देवी जी की स्तुति। और उन कुंती देवी की स्तुति में ही उन्होंने कहा कि यथा ऋषिकेश खलन देवकी कंस रुदाचिता सुचर्पिता विमोचितम अहम सौ आत्म जब विभो तब एवनाथ मुँह विपद गना। बोलते मैं एक माता हूँ, मेरे पांच पांच पुत्र हैं पांडव, लेकिन देवकी से भी ज़्यादा मेरा सौभाग्य है। भगवान ने कहा कुंती भुआ ऐसा क्यों कहती हो? तो कुंती जी कह रही हैं वो इसलिए कि आपने देवकी की कंस के कारागृह में एक बार रक्षा की, लेकिन आपने हमारी एक बार नहीं बार 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 रक्षा की। बोलते हमने कब कब रक्षा की? कुंती जी कहने लगी एक हो तो सुनाओ कि विशद महागनी पुरुष दर्शया असत सभाय वनवासे कृषे कृषे मृदे मृदे अनेक अस्त्रातो द्रोणु अस्त्र चाभी रक्षति। जहाँ पर लाक्षगृह में हमको जलाया जा रहा था, जहाँ पर भीम को विष का लड्डू खिलाया जा रहा था, जहाँ पर भरी सभा में द्रौपदी की लाज रक्षा आपने रक्षा की, और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के अस्त्रों से आपने रक्षा की, और अभी अभी उत्तरा के गर्भ पर जो ब्रह्मास्त्र आ रहा था उससे आपने हमारी रक्षा करी। इसलिए मेरा सौभाग्य देवकी से अधिक है, परंतु हम समस्त माताओं में यशोदा मैया का तो कहना ही क्या। उनका जैसा सौभाग्य तो और किसी का हो ही नहीं सकता। बोते वो क्यों? बोते भीर अपि यद भिवेति। मुझको वो भी दिन स्मरण है जब आप नटखट नटखट डीला करते थे और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर और एक हाथ आपके कान को मरोड़ दी, आप तो थर थर काँप रहे हैं। आपके आँख नेत्रों में जो मैया ने काजल लगा रखा और वो काजल आपके अश्रुओं से लगकर आपके कपोलों पर जब आता, आपकी शोभा देखने वाली थी। और उस समय आप नाटक अभी नहीं, सब समय आप सचमुच में उस समय भयभीत हो रहे थे। इसलिए समस्त माताओं का जो वात्सल्य प्रेम वो एक एक तरफ, और यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम उसकी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं। आज तक किसी भी अवतार में किसी भी माता ने भगवान के कानों को नहीं मड़ोड़ा, किसी अवतार में किसी माता ने हाथ में छड़ी लेकर भगवान को डराया नहीं। ये तो एकमात्र कृष्ण लीला का ही वैभव है, यही भगवान का ऐश्वर्य है। यही एक भगवान का, हम बोलते हैं भगवान का ऐश्वर्य क्या है? भगवान अखल लोकनायक हैं, समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सारे देवता चरण में प्रणाम करते हैं, ये तो एक छोटा सा ऐश्वर्य है। लेकिन सबसे बृहद ऐश्वर्य क्या? बोलते इतने बड़े स्वामी होकर भी मैया के द्वारा शासित हो रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं और थर थर काँप रहे हैं, ये ब्रज का वैभव है, यही ऐश्वर्य है। इसलिए यशोदा